जी की ओर से जवाब दिया गया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को लेकर एलजी पर आरोप लगाए थे, अब एलजी की ओर से कहा गया है कि गोपाल राय ने भी इस पूरे मसले पर झूठ बोला है। एलजी ने कैंपेन की फाइल केजरीवाल को वापस भेज दी है और इस कैंपेन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। केजरीवाल की ओर से अब जवाब का जाहिर सी बात है इंतजार रहेगा। एलजी की तरफ से यह भी कहा गया कि जो केजरीवाल का कैंपेन है वो प्रदूषण घटाने में कारगर नहीं है। ये उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया, कैंपेन प्रदूषण घटाने में कारगर नहीं। गोपाल राय ने भी कैंपेन पर झूठ बोला, केजरीवाल ने भी झूठ बोला। एलजी ने कैंपेन की फाइल केजरीवाल को दरअसल वापस भेज दी है, कैंपेन पर पुनर्विचार करें केजरीवाल, ये एलजी की तरफ से कहा गया। और क्या कुछ एलजी ने कहा हमें बताएंगे हमारी सहयोगी नियामिका। नियामिका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की ओर से जो प्रस्तावित रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दी गई थी, वो फाइल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वापस कर दी है और एलजी ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहा है। इसके अलावा एलजी ने अभियान के प्रभाव की कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी या डेटा फाइल में मुहैया नहीं कराने जाने की भी बात कही है। उनका कहना है कि पर्यावरण मंत्री ने जो भी बयानबाजी की है उन्होंने उस पर भी साफ तौर पे आपत्ति जताई है और एलजी का ये भी कहना है कि इससे साबित होता है कि ये फाइल में कुछ भी नहीं है कि ये अभियान वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी है या नहीं है और ये केवल नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को गंभीर स्वास्थ्य और शारीरिक जोखिम में डालता है। उनका ये कहना है कि जो सिविल डिफेंस के नियामिका दो तीन बातें हैं इस पर। एलजी ने सख्त तौर पर ऐतराज ये भी जताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद इस फाइल को 10 दिनों तक दबाकर बैठे रहे, इसके साथ ही जो वॉलंटियर सड़कों पर लगाए जाते हैं उनको लेकर भी हेल्थ रिस्क कितना होता है, ये सारी बातें भी बहुत तीखे तेवर में एलजी ने कही हैं। जी बिल्कुल, इन सभी मुद्दों को एलजी ने अपनी स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा है और उन्होंने आपत्ति जताई है कि जिस तरह से ये पूरे इनिशिएटिव है उसको इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है उसमें कई सारी खामियां हैं जिनसे पुनर्विचार करने की सख्त आवश्यकता है और उसी के चलते उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही है कि जो सिविल डिफेंस लोग होते हैं वो चौराहों पर खड़े रहते हैं उनके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है क्योंकि वायु प्रदूषण जिस तरीके से फैल रहा है दिल्ली में उनके लिए भी हानिकारक है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो पहले इनिशिएटिव्स लिए गए थे सरकार की तरफ से वो कितने प्रभावशाली रहे हैं इस पर सरकार का कोई भी जवाब नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नियामिका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो अब इस फाइल को लौटाया है एलजी ने और कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल पुनर्विचार करें। साथ ही इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे इस कैंपेन को लेकर झूठ बोला गया, मुख्यमंत्री केजरीवाल किस तरीके से इस फाइल को लेकर 10 दिनों तक खुद अपने पास बैठे रहे, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत इफेक्टिव नहीं है। साथ ही जो वॉलंटियर सड़कों पर तैनात किए जाते हैं उनको लेकर भी हेल्थ रिस्क कितना ज्यादा होता है, ये तमाम बातें।